I'm going to cut across. Here is Devendra Fadnavis, all set to address the media. He's just met with the governor, Bhagat Singh Koshyari, appraised him about the allegations. Fadnavis speaking. आपल्याला कल्पना आहे की ज्या प्रकारच्या घटना गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत या अत्यंत चिंताजनक आहेत आणि याच्यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचं मौन. एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री या संदर्भात बोलत नाहीयेत. सन्माननीय पवार साहेबांनी दोन प्रेस घेतल्या पण दुर्दैवाने झालेला प्रकार पाठीमागे घालण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. काँग्रेस पार्टी ही तर अस्तित्वहीन दिसते. या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिकाच नाही आहे. त्यांचे नेते दिल्लीत काहीतरी बोलतायत, इथे वेगळं बोलतायत. एकूणच या महाविकास आघाडी सरकार म्हणा का महावसुली आघाडी सरकार म्हणा यांनी सगळी नैतिकता ही पूर्ण पायाखाली तुडवली आहे. केवळ सत्तेकरता या ठिकाणी हे सगळं काम चाललेलं आहे. त्याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. आणि माझा तर काँग्रेसला सवाल आहे की काँग्रेसने सांगितलं पाहिजे त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतोय. ज्या प्रकारचं त्यांचं मौन आहे त्यांना वाटा आणि हिस्सा किती आहे हे देखील आता या ठिकाणी आम्हाला समजलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना दिलेल्या आहेत. आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री जर बोलत नसतील तर संवैधानिक प्रमुख म्हणून माननीय राज्यपालांनी त्यांना बोलतं केलं पाहिजे. माननीय राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं अहवाल घेतला पाहिजे. या खंडणीच्या घटनांचं काय त्यांनी कारवाई केली, जे रॅकेट बाहेर निघालेलं आहे त्या रॅकेटवर त्यांनी काय कारवाई केली, या सगळ्या गोष्टी या राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं घ्याव्यात आणि हा अहवाल त्यांनी मागवावा याकरता आज आम्ही भेटलो आहे. करतो भाई हिंदी. महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है. किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन. इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया. पवार साहब ने दो प्रेस ली किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया. पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए. मूल घटना तो देखनी पड़ेगी पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते. वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है. आइए हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते. उसकी भी जांच होनी चाहिए. और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई की बात भी नहीं है. उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है.
और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे। और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है, और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या करती है, क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। राज्यपाल चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात येईल। एवढे का घाबरले, जर तो लवंगी फटाका होता तर 25 ऑगस्ट पासनं तो दाबून का ठेवला, कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते? हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर नेमके कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते, नेमके कोण याच्यामध्ये लिप्त आहेत आणि म्हणून त्यांना वाचवायला तुम्ही तो दाबून ठेवला, हा माझा प्रश्न आहे। आणि म्हणून लवकरच यातलं सत्य बाहेर येणार। देखिए ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है। जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की बजाय बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास जाते हैं क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए संजय राउत जी के पास बहुत टाइम है और आप लोगों को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुंच जाते हैं, और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं।
वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हम उन तक जाते हैं। देखो ऐसा है ना, अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता, और आप कमर से झुककर उनको जब प्रणाम करते तो किसके नेता होते? सर रश्मि शुक्ला, सर रश्मि शुक्ला बीजेपी के एजेंट से इस तरह का आरोप लगाया सर। मुख्यमंत्री को इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है इस विषय पर बात करने? देखिए मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जानते कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है, और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे, जो देना नहीं चाहते। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि संजय राउत तो कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनकी बात को सरकार की बात तो नहीं माना जा सकता, वो कोई सरकारी थोड़ी है, और इसलिए सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा? रश्मि शुक्ला सर बीजेपी के एजेंट है, ऐसा आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया सर, आप क्या कहेंगे? देखिए कोई अधिकारी अगर सच कहे तो बीजेपी का एजेंट, और हफ्ता वसूल करके दे तो क्या शिवसेना का एजेंट? सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया, रंजन गोगोई को कोर्ट कर रहे हैं वो, कि उन्होंने कहा कि वहाँ न्याय नहीं मिलता है। किसने कहा? कोर्ट में भी सवाल उठाया है। किसने? संजय राउत। छोड़ दिया, कौन है भाई वो? कोई इतने बड़े आदमी थोड़ी है। समोर येते की काही नेत्यांचा याला विरोध आहे, पण भूमिका मात्र कुठे घेताना दिसत नाही, एक मिनिट भरात काँग्रेस। अरे भैया चोर चोर मौसेरे भाई, हे सगळे एकत्रित आहेत, हे फक्त बातम्या सोडतात की काँग्रेसच्या बैठकीत चिंता जाहीर केली, सगळ्या हप्ता वसुलीत सगळे सोबत आहेत। Well, there you have it. Devendra Fadnavis speaking on expected lines, hitting out at the Maharashtra government for not investigating into allegations, instead brushing it under the carpet. We're going to slip into a short break. We'll be right back tracking those updates. Do stay tuned.